इन दिनों बाइक और कार चालक ट्रैफिक नियमों के जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिर पर हेलमेट नहीं लगाना और कार में काला फिल्म का शीशा आम चलन की बात बन गई। इसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। कार के शीशे में काले फिल्म, नंबर प्लेट की जगह बोर्ड, स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे कोयलांचल में वाहन मालिकों पर अब शामत लेकर आई है। इस वक्त में देखिए कि मेरे खुद का चेहरा इस पे सामने दिख रहा है। आप देखिए कि तस्वीरों में सिर्फ मेरा चेहरा दिख रहा है, अंदर में कौन बैठा ये नहीं दिख रहा है। जबकि गाड़ियों के तहत जो शीशे आते हैं उसमें वो पारदर्शी होता है, बिल्कुल दिखता है। और नियम का उल्लंघन यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है। इस वक्त में जो गाड़ी वाहन चालक है, ये तो नियम है ना, आपने इस नियम का पालन क्यों नहीं किया? आपको पता है ये नियम है सुप्रीम कोर्ट के तहत। साहब जरा इधर भी देख लीजिए ना, ये नियम का पालन आपने क्यों नहीं किया? नहीं पता था। चलिए, नियम तोड़ने की जब सजा मिली तो जनाब को कानून के पालन की याद आई और कैमरे पर गलती स्वीकारते हुए आइंदा ऐसा नहीं करने की कसमें भी खाई। अब जरा इन ओवरलोडिंग सवारी गाड़ियों को देखिए जो हादसे को निमंत्रण दे रहा है। गाड़ी नहीं तो भैया जल्दी, इसलिए हम लोग मजबूरी में चले। कहाँ जाइएगा? मजबूरी में हम लोग चले पड़े भैया, तो खतरनाक है ना, क्या करेंगे, उपाय भी तो नहीं है। अभी लास्ट गाड़ी है, लास्ट गाड़ी और जान से खिलवाड़ और उस पर जिला प्रशासन का डंडा यही नहीं रुका। इससे एक कदम आगे बढ़कर प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों से भी परिवहन कानून के उल्लंघन को लेकर फाइन वसूला। हालांकि इस दौरान सत्ता दल के नेताओं के प्रति थोड़ी नरमी जरूर बरती गई। अभी तक 13-14 गाड़ियों का काला शीशा उतारा गया है और 3 गाड़ियों से नेम प्लेट उतारा गया है। जुर्माना भी वसूला? हाँ, जुर्माना भी वसूला जा रहा है। हम लोग तो इसके लिए जागरूकता अभियान लगातार चला रहे हैं और लगातार हमारे यहाँ प्रतिदिन इसके लिए चेक इन होता है और जुर्माना लोग दे रहे हैं। कुछ तो बहुत हद तक तो सुधार हुआ है, हालांकि इसमें कई ऐसे राजनीतिक दलों की गाड़ियां भी पकड़ी गई है और उनका भी नेम प्लेट यहाँ हटाया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा से जुड़े हुए पार्टियों का अगर कोई नेम प्लेट आता है तो इस वक्त में परिवहन विभाग कार्रवाई करने से बच रही है। जबकि दूसरे राजनीतिक दलों की गाड़ियों के ऊपर अगर कहीं नेम प्लेट लगा हुआ है तो उन पर विशेष रूप से कार्रवाई हो रही है और उनका नेम प्लेट उतारा भी जा रहा है। अगर इसी तरह की कार्रवाई जारी रही तो जाहिर है कि परिवहन नियम का पालन भी होगा और आम से लेकर खास के बीच में भी यह फर्क जो है मिट जाएगी। कैमरामैन सहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, ईटीवी न्यूज़, धनबाद।